हाउ आर यू ऑल, होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनिनिका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनिनिका को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको हमारे जो भी नए व्लॉग्स आने वाले हैं या वीडियोस जो भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए हम आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। है कि हमारा ये अभी चल रहा है पैकिंग व्लॉग, मतलब जो हम पैकिंग कर रहे हैं घर जाने वाले हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा के टाइम पे। तो फर्स्ट डे हमने आपको एक उसमें दिखाया है कि हमने हम लोगों के क्लोथ्स जितने भी हम सबके कपड़े हैं वो रख गए हैं, पैक हो चुके हैं, और जो ज्वेलरीज हमको लगनी है, अवनिनिका को जो लगनी है, वो सारी पैक हो चुकी हैं। तो आज जो अब हम पैकिंग और जो करने वाले हैं जो रह गई है, तो क्योंकि कल हमको निकलना ही है मॉर्निंग में, तो आज ही जो कुछ करना है सब आज ही हमको पैक करना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो ये सामान लेके आए हैं, कुछ ख़रीदना था क्योंकि रास्ते में ये लोग जो है अवनिनिका अमन, ये लोग खाना नहीं खाते हैं, इनको सिर्फ चिप्स या केक वगैरह चाहिए रहता है या मीठे में लड्डू वड्डू खा लेते हैं। तो उनमें से कुछ कुछ चीज़ें जो भी हमको ज़रूरी थी, अचार नहीं था घर में, अचार ख़त्म हो गया है। दीदी ने बहुत अच्छा अचार मिर्ची का बना के दिया था लेकिन वो पूरा ख़त्म हो गया, 3 महीने भी नहीं चल पाया। अभी जून में ही हम घर से लौटे हैं जबकि। तो बस चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लेके आ चुके हैं, और ये अभी हमको पैक करना है, रखना है। तो अभी लाके सिर्फ हमने टेबल में ये देखिए इस तरह से रखा हुआ है सब, तो मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या है। ये अवनिनिका को सफ़र में डायपर पहना के ले जाएंगे, तो ये इसलिए हम लेके आ चुके हैं डायपर उनके लिए। फिर ये मम्मी वाले बिस्किट हैं, ये आधा डिब्बा ही मिला है तो चलिए वही रख ले रहे हैं, थोड़ा रखा भी हुआ है। और ये इन लोग खाते हैं मीठा टोस्ट कहलाता है ये, इसमें ऊपर शुगर की कोटिंग रहती है, तो ये वो है। ओरियो बिस्किट, इनके नमकीन चिप्स, फिर ये प्लेट्स एंड कटोरी वगैरह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर प्लेट्स वगैरह। उसके बाद ये पेपर, जो ये भी सफ़र में बहुत ज़रूरी रहता है हमारे लिए। फिर ये आप देख रहे हैं, ये इसमें भी चिप्स ही हैं, लेज है, पॉपकॉर्न, डोरिटोज वगैरह काफ़ी कुछ है। गुड्डे बिस्किट हैं, ये अमन के लिए मैजिक मसाला, वो क्योंकि मतलब खाता है, ऐसे नहीं खाता, वहाँ जाके लगेगा तो तुरंत में नहीं है, तो इसलिए हम लेकर आ गए हैं। ये मिक्स्ड पिकल का है अचार, हम लेके आए हैं मिक्स्ड पिकल, ये देखिए। और फिर जो है ये टूथपेस्ट, ये भी बहुत ज़रूरी सफ़र में। तो इस तरह से ये चीज़ें कुछ हम लेकर आए हैं, और हम लेकर आए हैं, और ये देखिए ये लॉटी चोको पाई लेकर आए हैं इन लोगों के लिए। ये सब सफ़र में, क्योंकि ये लोग ये ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो सफ़र में ट्रेन में हमको कुछ नहीं ख़रीदना पड़ेगा, हम इस तरह से ही उनको सब चीज़ मतलब यहाँ से ही लेके जा रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं लेना होगा। तो इस तरह इतनी सब चीज़ें हैं ये खाने की, इनके नाश्ता वगैरह की, ये सब हमको अभी पैक करना है, तो अभी हम पैक करेंगे। दवाइयाँ, मेडिसिंस करना है, फिर मेडिसिंस करूँगी, तो जो भी कुछ और हम करते जाएंगे पैकिंग मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये दे जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने ये बॉक्स रखा हुआ है, इसमें जो है सब पूजा का पूरा सामान रखा है, क्योंकि जैसे कि हम कल निकल रहे हैं संडे, तो हम पहुंचेंगे मंडे, और मंडे को जैसे कि आप सभी जानते हैं फास्ट रहेगा 16 सोमवार का, तो जाके पूरा पूजा भी करना है, अभिषेक भी करना है भगवान का। तो हम यहाँ से पूरा, मैं यहाँ से पूरा सामान लेके जा रही हूँ। इस बॉक्स में पूरा सामान है अभिषेक का, शहद, इत्र, और जो काले तेल है, जो भी मतलब लगता है भगवान के लिए, कला जनेऊ, सुपारी, जो कुछ भी लगता है सारा सामान इसमें तो हम लेके जा रहे हैं, मैं इसलिए बॉक्स। फिर ये देखिए अमन भी अपना बैग जमाता जा रहा है, ये उसने पूरा फैलाया हुआ है, होमवर्क मिला है तो वो लेके जा रहा है कि मैं वहाँ होमवर्क करूँगा, और वो थोड़ा बहुत ही पढ़ेगा, ज़्यादा उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन वो सारा सामान अपना लेके जा रहा है। तो ये देखिए इस तरह से वो भी अपना जो स्कूल बैग है जमाता जा रहा है। तो और बाकी यहाँ पर ये अवनी जो है, अनिका, जो कि सूटकेस फिर से थोड़ा सा सेट किया है, उसमें जो भी मेरे व्रत का जो भी सामान था वो सब हम रख रहे थे, तो वो उससे खेलती जा रही है। और अब हम लोग जो हैं, जो भी इनको पेपर्स
ज़रूरी जो पेपर्स हैं, बच्चों के वैक्सीन की जो फाइल है, वो सब जो लेके जाना है, तो अब हम लोग उसको भी एडजस्ट कर ले रहे हैं। पहले तो अच्छे से जो ले जाना है वो एक जगह रख ले रहे हैं, और जो नहीं ले जाना है वो यहाँ पर ही छोड़ के अच्छे से रख के जाएंगे। तो अभी 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 जो है मतलब हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी मतलब हमारे इम्पॉर्टेंट जो पेपर्स लगते हैं, हमको सफ़र में भी लग सकते हैं, वहाँ जाके भी जो लग सकते हैं, तो ये इस तरह से हम लोग अच्छे से सेट करते जा रहे हैं। तो अभी तक नवरात्रि जब से लगी है, हम मंदिर नहीं आ पाए थे शाम टाइम भी या मॉर्निंग में भी, तो आज हमने सोचा चलो मंदिर हो लेते हैं, फिर तो हम कल घर निकल जाएंगे। तो आज इसीलिए हम मंदिर आए हैं, भगवान को, देवी माँ को मतलब प्रसाद चढ़ा दें। तो हम अच्छे टाइम पर आए हैं क्योंकि आरती भी हो रही है, तो चलिए हम भगवान के अच्छे से पूजा कर लेते हैं। अब बस चलो 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 जी। अब मत जाना। तो यहाँ सीआईएसएफ वालों ने कल ही माँ दुर्गा को पंचमी के दिन मतलब उन्होंने माँ दुर्गा की स्थापना करी है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको यहाँ का डेकोरेशन दिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर आज कुछ प्रोग्राम भी होने वाला है हमारे यहाँ का, जैसे पूरा हो गया अब इनके यहाँ, कल से देवी जी विराजी हैं, कल पूजा वगैरह हुआ है, तो आज से मतलब इनके जो कल्चरल प्रोग्राम्स जो भी इनको करना है, ये आज से ये लोग कर रहे हैं। तो आज ये देखिए, इस तरह से स्टेज जो बन के रेडी हो चुका है यहाँ पर, यहाँ इनके प्रोग्राम होंगे। तो अब क्योंकि हमको तो तैयारी करना है, तो हम इसलिए रुक के नहीं देख पाएंगे, पर हाँ फिर भी मैं आपको यहाँ का जो भी डेकोरेशन है, काफ़ी अच्छा किया हुआ है डेकोरेशन। माँ भी बहुत अच्छी बैठा विराजी हैं, देखिए इस तरह से माँ के दर्शन, जय माता दी, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलिए आप भी ये देखिए।
तो CISF में भी काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ है, ये देखिए आप भी। और माँ भी बहुत अच्छी विराजी हैं। तो हम को आज जल्दी है तो हम इसलिए यहाँ की आरती में हम नहीं रुक पा रहे हैं, आरती ही चालू हो मतलब स्टार्ट होने वाली है, पर हमको घर जाके बहुत काम है तो इसीलिए हम यहाँ नहीं रुक पा रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको यहाँ का दिखाया। तो डिनर हो जाने के बाद अब मैंने सेक लिया, क्योंकि हमको सुबह जल्दी निकलना है मॉर्निंग में, तो पूरी मैंने अभी ही रात में सेक ले रही हूँ, तो क्योंकि से सुबह सिर्फ मतलब सब्जी बनाने का काम रह जाएगा, सुबह से पूरी बनाने का टाइम नहीं रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से मेरी पूरी सीखी गई है, थोड़ी सी ही रह गई हैं, तो हम फटाफट से पूरी सेक लेते हैं और फिर इनको रख देंगे ठंडा होने थोड़ी देर। और जब ये ठंडी हो गई है, ये देखिए अब जो पूरी है वो ठंडी हो गई है, तो इस तरह से हम सिल्वर वाली जो पॉलीथीन जैसा आता है हम उसमें ये रैप कर ले रहे हैं। तो ये जो है हमको बड़ी बड़ी पॉलीथीन नहीं मिल पाई थी सिल्वर कलर की, तो हम वो छोटे मीडियम साइज़ की मिली हैं, तो इसलिए इतनी सारी होती जा रही हैं क्योंकि कम कम इसमें रख पा रहे हैं। और ये आलू इस तरह से बॉयल करके मैंने रख लिए हैं, सफ़र में सुबह उठ के जब तक चाय बनाऊँगी तो ये मैं बघार लूँगी सब्जी। और ये इस तरह से पूरी तैयारी, ये देखिए बैग, इतने बैग हम लोगों के हो चुके हैं जो हम घर लेके जा रहे हैं, दो सूटकेस हैं और इस तरह से तीन छोटे छोटे बैग हैं, एक अमन का बैग है और एक इस साइड में रखा हुआ है, हमें अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए टेबल में भी रखा हुआ है, ये इस तरह से इसमें मेडिसिंस रखी हुई हैं। और ये वाले थैले में हम जो बॉटल, सबकी अलग अलग बॉटलें हैं, तो वो इसमें भर के ले जाएंगे। तो इस तरह से इतना लगेज हम लोगों का इस बार हो चुका है। आज देखिए फ्रेंड्स कैसा मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है, यहाँ पर इस तरह से बारिश होने लगी है, अभी अभी मौसम ख़राब हुआ है, ये देखिए किस तरह से बारिश हो रही है। अब देखिए सुबह हमको निकलना है, तो कैसे क्या निकल पाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा अभी हवा थोड़ी बंद हो गई है, उस टाइम पर मैं पूरी बनानी थी तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। ये इस तरह से लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, देखिए सुबह रुक जाए तो हम अच्छे अच्छे से हावड़ा चले जाएँ, क्योंकि हमको हावड़ा तक जाना है। तो देखते हैं, चलिए अभी दुआ करिए कि ये बारिश रुक जाए। तो आज का हमारा ये ब्लॉग यहाँ पर ही एंड होता है, अगर आपको ये ब्लॉग हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी पार्ट अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट भी करिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो भी आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।